अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ईद की सुबह ऐसी हुई है कि मम्मी जी उठ के बना रहे हैं शीरकुरमा, और नहीं बहू बनाएगी शीरकुरमा। सॉरी, इंशाल्लाह आज हमारी बहू बनाने वाली, मैं सिर्फ दूध पलट रही हूँ इसमें। हाँ, और बहू बनाएगी शीरकुरमा। ये देखो कितना लीटर दूध है ये, 10 लीटर दूध है ये। और हम लोग ना इसी दूध में बनाते हैं, हमको तवेले का दूध नहीं जमता। तवेले का दूध ये अच्छा लगता है हमको, अमूल। और ऐसा हुआ कि दूध वाले भैया ने बोला था 4 बजे देंगे, और वो आए नहीं, तो प्रॉब्लम हो गया। तो चला गया कि हमारे दानिश भाई ने लेके आए फटाफट। तो बज रही है 7:30, धूप भी आ गई है, नींद भी नहीं मिली है, हम कोई भी नहीं सोए, कोई भी नहीं सोया। ईद में स्पेशली ऐसे ही होता है। अभी मासूम सो रहे हैं, शौहर जी गए नहाने, अभी मुझे उनका कुर्ता आयन करना है, और अफान तो रेडी हो गए नमाज के लिए, और ये सब तो सब धुल धुल के ये रूम भी साफ करना है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे ये। और हाँ, मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल मेहंदी जो लगाई है शमामा ने, ये देखो दोनों हाथ में। सो चलो काम स्टार्ट करते हैं, रूम भी साफ सफाई करना है। बेडशीट मैंने डाली थी पर गंदा हो गया, अच्छे से उसको साफ सफाई करेंगे, फिर मिलते हैं। बाय गुरेश जी। अल्लाह जी जा रहे नमाज पढ़ने, और आज माजिन भी जा रहे हैं। माजिन चले गया नीचे ना ऑलरेडी, उसकी टोपी ले लिया ना। हीरो लग रहा है। चलो अल्लाह हाफिज। अरे वो टीका तो लगाना तो। अरे मेरा नमाज छूट जाएगा। बाय। तो ये गद्दा हमारा बहुत मोटा है, तो ये उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने एक हैक देखा था जिसको ऐसे कोई चीज से ऐसे डालते तो अच्छे से चले जाते हैं। और ये देखो इतने अच्छे से जा रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। ये देखो गाइस, हैक नंबर 2। एक हैक तो हम लोग ने इससे कर लिया जो बेडशीट डाले, और कर्टन्स मुझे मिले नहीं, और ग्रे कलर मतलब इस पर अभी मैंने फ़िलहाल क्रीम किया है ये हेडबोर्ड को मैच करके, तो मुझे मिले नहीं, और ये भी बहुत डर्टी हो गए। घर से तो मैंने मंगाई हुई ऐसे वाले, पर जब तक वो नहीं आते तो ये जो है मेरा अनस्टिच कपड़ा, तो इसको मैं कुछ ट्राई करूँगी कर्टन बनाने की, वो लेट्स सी कि कैसा लगता है यहाँ पर। हैक नंबर 2 सक्सेसफुल होता है कि नहीं। हैक नंबर 2 इज ऑल्सो सक्सेसफुल, आप बताओ कैसा लग रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं। ये थोड़ा डर्टी, इसको भी चेंज करूँगी मैं, बट ओवरऑल कैसा लग रहा है बताना। माशाल्लाह शीरकुरमा रेडी हो चुका है, और बहुत ही अच्छे बोल में, बहुत ही क्यूट लगा था मुझे, तो मैंने लिया था। ये इसका ट्रे है और 6 बोल आता है। गुड्डू जी उसको पकड़ो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक, मेरी यानी मेरी और शोहर जी और माजिन की तरफ से ईद मुबारक। दोनों अभी खेलने में बिजी है, और फाइनली मैंने अपना पूरा रूम साफ कर लिया है। और मेरा ऐसा रहता है, मैं जब अच्छे से पूरा रूम साफ कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं सबको ईद मुबारक बोलती हूँ। और काफी लेट हो गया वैसे तो, सब साफ वाफ करते करते चलिए। पूरा रूम मैंने क्लीन कर दिया, और ये मेरा ईद का लुक है जैसे मुझे चाहिए था, बहुत ही सिंपल। और मैंने ये ड्रेस एक दिन में डिजाइन करके पहना है, मतलब मुझे बहुत ही सिंपल चाहिए था, और इतना मैंने सिंपल ले लिया जैसे ये प्रिंट मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ। मेरा आउटफिट दिखाने से पहले मैं दिखाना चाहती हूँ गुरेश जी का ये आउटफिट, जो मुझे लगा है बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग। इसलिए नहीं कि मैंने वो उसे पसंद किया है, वैसे तो मैं हमेशा पसंद करती हूँ, बट ये वाला कुछ अलग ही लग रहा है मुझे, और गुरेश जी के ऊपर तो माशाल्लाह नजर ना लगे। ठीक है, और माजिन के लिए भी हम लोग ने बहुत सारे पठानी कुर्ता लिए थे, जो सुबह में वो एक पहन के गया था, और अभी तो बच्चे लोग को गर्मी चल रही है, तो कंफर्टेबल के लिए मैंने ये पहना दिया। आई नो वैसे भी ये वेलवेट है, बट ये मैंने उसके लिए H&M से ऑर्डर करके एक रखा था, तो हमने उसको ये पहना दिया। कोइंसिडेंटली हम लोग कभी कभी मैच करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग ऐसे ही रैंडमली कुछ लेते हैं, बट कोइंसिडेंटली ये मैच हो जाता है। जैसे गुरुदेव जी का ये प्रिंट और ये माजिन का, और माजिन के शूज भी ऐसी ली थी जो मैच हो चुके हैं, बहुत ही क्लासी लग रहे हैं, और मेरा प्रिंट भी कुछ ऐसे ही है जो मैच हो चुका है। गुरुदेव जी आप दिखाओगे मेरा आउटफिट। तो ये है मेरा आउटफिट जो है रस्ट कलर का, बहुत ही सिंपल, मुझे अच्छा लगा था इसका प्रिंट, तो ज्यादा सिंपल नहीं हो जाए तो मैंने ये ऐसे टैसल लिया था हैंगिंग वाले, और ऐसे थोड़े बेल स्लीव्स किए थे। तो आप भी ऐसे अगर आपको कुछ ज्यादा मतलब ऐसे जैजी नहीं पहनना है, तो सिंपल सा अनस्टिच सूट लेके ऐसे स्टिच करके बेल स्लीव्स करके कुछ ना कुछ हैंग, मतलब खाली स्लीव्स में भी लगाओगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत नीचे, और बस। कैसा लगा आपको मेरा आउटफिट? माशाल्लाह
बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। चलो गुरेश जी के लिए हम लोग ने ये लिए थे माइक, जो मतलब इसका प्रॉपर आवाज नहीं आ रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं दूसरा माइक लेने। लेट्स गो माजिन, चलो। नो व्हाई, मेरा बेटा फिर गिर गया था, उसको लग गया। और ये कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो माजिन हीरो रेडी है, माजिन शो मी योर शूज, माजिन देखो शूज दिखा रहा है। तो हम आए हैं लोखंडवाला, गुरेश जी को किसी के लिए कुर्ता लेना था। चलो खाओ खाओ बेटा, माजिन वो अंकल को दे रहा है। हेलो बेटा, खाने दे रहा है। नहीं अल्लाह ना, नाना ये एली आएगा, माजिन काम कर रहा है, निकाल के अपन एली लेते हैं ना। माजिन माजिन चलो चलो कम, नो ऐसे 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 वॉकी वॉकी करके देखो माजिन, अलग ब्रेक बना दो। चलो बोलो जी भाई, चलो चलो बाय बोल दो अंकल आंटी को। चलो बाय बोलो, बाय बोल दो बेटा, गागा से बाय। चलो माजिन का, माजिन चलो। हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी मियाओं हैं, माजिन मियाओं को ईद मुबारक बोल रहे हैं। माजिन बोलो मियाओं को, बोलो माजिन मियाओं को बोलो ईद मुबारक। क्यूटली मियाओं बैठी है, अभी हम लोग ऊपर जाते हैं क्योंकि गुलरे जी चले जा चुके हैं। ये देखो मैच हो रहे तुम पूरे वॉल में, वॉल में मैच हो रहे हो पूरे। हाँ तो इसमें फोटो ले रही है, दिखूंगा ही नहीं मैं पूरा वो कॉम्बिनेशन सेम लग रहा है ना। दादी के साथ ऐसा ऐसा कैसा दुआ, उल्टा होके माजिन उल्टा होके कैसा दुआ मांग रहे हो। तो ये आलिया ने दी है माजिन को उसकी ईदी और मुझे भी दी है, मर्जी ना ईदी माजिन दीदी और बाहर ईदी दे रहे सब लोग, तो जरा मैं लेके जाती माजिन को। ईदी कौन दे रहा है, ये माजिन सीधी है, ईदी दे रही हूँ मेरे बच्चे को माजिन की। ये इसके झोले में डालो, ये झोले में डालो, तो मेरा भी झोला है इधर। हाँ बेटा सबको मिलेगा बेटा, ऐसा नहीं है सबको, मेरा बच्चा बस ये मेरे लिए, मेरी मेरे लिए आप बहुत समझना ये ईदी को। हाँ हाँ पैसे दू हमको चलेगा कोई भी, पैसे दू माजिन को या मर्जी ना को, माजिन को। ओके ओके क्योंकि मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी हूं। ओके शादी होगी तो डालेंगे तुम, कुंवारी हो तो हमारी तरफ से ईदी। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट ईदी, जिंदगी की फर्स्ट ईदी। मैं तेरे को बताता हूं, है नहीं रहती है कोई, अरे उनको अभी भी रहेगी हमारी बहन की, मुझे शादी पे करोगे जी। माजिन जा रहा है ईदी कलेक्ट करने अपनी पोटली लेके, आया मेरा बेटा आया, देखो मम्मी मेरा बेटा आया पोटली लेके, तेरे बच्चे आज मेरे बेटा दे दो, ले लो दे दो भाई, दो पैसे दे दो पैसे, नहीं माजिन का भेजो तुम ले लो, फिर भी नहीं माजिन आ जाओ, माजिन लो पोटली ले लो, अपनी फुफ्फु को दो जाओ, आ जाओ फुफ्फु दे दो, फुफ्फु को दे दो, इनको दे दो फुफ्फु फुफ्फु फुफ्फु, सलाम कर दो सलाम कर लो सलाम, सलाम कर दो। अच्छा डैनी को आवाज दे रहा, डैनी को भी प्यार करता था। सलाम कर दो सलाम कर लो, अच्छा पापा को दे रहा है, पापा को दे रहा है, ये तो कितनी शीत है। याओ चलो भाई, ईद आज हो गई या मेहंदी लग रही है अभी, क्या करूं। ओहो नानी क्या बात है माशाल्लाह, क्या लग रही है नानी की मेहंदी, नानी की फोटो पड़ेगी। वाह शमा मेरे से भी अच्छा लगा रही है, ये भी शमा ने मुझे लगाई, मस्त लगाई है तू बता, मैंने तो लगा थी। हां प्यारी लगी। माजिन घर पे आ गया है, उसके नाटक देखो, हम लोग बाहर गए थे और दावत पे, दावत से आ गए माशाल्लाह, डैडी की जगह ले ली है माजिन। अच्छू तो नहीं आ रही है, तू इधर मत चुप, तो आज का डे हमारा ऐसे ही पूरा खत्म हो चुका है, बट हमारा फोटो सेशन बाकी है,
जो मैंने ये स्पॉट बनाया था यहाँ पर हम लोग फोटो क्लिक करेंगे और इंस्टाग्राम पे आपको देखने मिलेगा कि वो पिक्चर कैसी है। राइट राइट, कुर्ता तो कुछ है, आप बहुत तारीफ हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी झूला खाली करो, जा रहा है वो। मैंने इतने प्यार से मेरे बेटे के लिए ली थी, मतलब मुझे कब से लेना था और जब वो बड़ा हो गया तब मैंने ली, जब वो बैठ नहीं सकता, पैर बाहर जा रहे थे उसके। बट कोई बात नहीं, अभी इसको भिजवा रही हूँ अपने घर पे, बाद में काम आएगा ना। हाँ और क्या। ले लो बाहर, ले लो। तो साहिल और अर्जिता आए थे माजिन से मिलने और माजिन तो अभी सोच रहा है लोग जा रहे हैं तो हम लोग उनको सी ऑफ करने नीचे जा रहे हैं और मेरे झूले को भी। हाय, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वो भी बोली माय बॉडी। ईद में रात में देखो हम खा रहे हैं चाय और काले जूस, फोटो एक अभी तक नहीं खींची। बाय अल्फा, ठीक है बाय बाय सोफी खाला, संभाल के जाना। वापस कब आओगे? इंशाल्लाह जल्दी आना। इसको देखो कहाँ जा रही है। बाय बाय बाय। ऑल राइट गाइस, तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। इतना कुछ हमने ईद में किया नहीं, हर साल हम सोचते हैं कि जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे और फिर अच्छे से रेडी होंगे, सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे, रेडी होंगे, फ़ोटो खींचेंगे, हमेशा हम यही सोचते हैं। बट ये सोचने में मतलब ये रह ही जाता है हमेशा, क्योंकि इतनी तैयारी करनी पड़ती है, रोज़ा रहता है तो हम शॉपिंग वो सब कर नहीं सकते, एंड मोमेंट पर ही करते हैं और इतनी थकान हो जाती है कि मतलब नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती है तो फिर नमाज़ का जो टाइमिंग है अर्ली मॉर्निंग का जो रहता है उसकी वजह से मतलब जागना पड़ता है, और फिर जो सोते हैं तो फिर पता है आपको शाम में ही आँख खुलती है। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है, होता है तो ज़रूर बताना। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना व्लॉग। आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा वो भी बताना, और गुरुदेव जी का ड्रेस कैसा लगा वो भी बताना, और हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक, ईद मुबारक। And don't forget to like, share and subscribe. Support karo public, support karo, like keep karo, comment karo. Loving, keep supporting. This is Marzina Gurez Khan. Sayonara.